हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम देखेंगे रीडिंग सेक्शन। तो ये आपके सामने अनसीन पैसेज है जो 2016 की एग्जाम में आ चुका है। हालांकि इसको जो हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड है कि सर इसको बनाइए, उन्हें नहीं मिल रहा होगा, तो मैं डबल से इसको बना देता हूँ। तो देखिए, पूरा अनसीन पैसेज हम समझेंगे और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको बहुत सारे PDF जो आपके काम के रहेंगे, स्टडी मटेरियल आपको भेज सकें। तो देखते हैं पहले इस पैसेज को। द जातक स्टोरीज रिकाउंट द मैनी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्धा इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स। कि जो जातक कथाएं हैं वो बताती है भगवान बुद्ध के कई पूर्व अवतार या पूर्व जन्म जो उन्होंने मनुष्य या पशु रूप में उन्होंने लिए हैं। मतलब जातक कथाएं सभी किनके लिए हैं या फिर किनके बारे में है? भगवान बुद्ध के बारे में है। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज। की टोटल कितनी कहानी है? 547 कहानियां है। आप ये बात याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव से में नीचे पूछेंगे। ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसिपल्स। की 547 कहानियां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई। दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज अराउंड 400 BC। कि इन सभी कहानियों को 400 ईसा पूर्व पाली भाषा में लिखा गया। पाली लैंग्वेज संस्कृत से जो बनी है वो पाली लैंग्वेज। आगे देखते हैं। एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर हिज डेथ। और इन सभी को बाद में जो बौद्ध स्तूप हैं उनमें इनको लिखा गया। ठीक है। द स्टोरीज शो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकारनेशंस, ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, सेल्फलेसनेस एंड थॉटफुलनेस विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि कहानियां बताती है कि उनकी जो जन्म है या उनका जो जीवन है, अनेक अवतारों में जो अनेक अवतार उन्होंने लिए हैं, उनमें कैसे उन्होंने बुद्धि को प्राप्त किया, वो निस्वार्थ बने, वो विचारवान बने, और आखिरकार ये सारी बातें उनके ज्ञानोदय का कारण बनती है। ज्ञानोदय मतलब कि इनलाइटमेंट। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म्ड सम मेरिटोरियस डीड टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और प्रत्येक जन्म में भगवान बुद्ध ने, चाहे वो किसी भी रूप में लिया हो, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, मेरिटोरियस डीड मतलब ऐसे अद्भुत कार्य उन्होंने किए जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयां मिली। हियर इज वन ऑफ हिज स्टोरीज। और यहां पर एक कहानी बताई गई है, तो देखते हैं कहानी क्या है। ए हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स। कि एक बार एक खरगोश जंगल में अपने जो दूसरे उनके दोस्त हैं उनके साथ रहता था। तो दोस्त कौन कौन है? द जेकाल, द ओटर एंड द मंकी, यानी कि सियार, ऊदबिलाव और बंदर। इनके साथ वो जो खरगोश था वो जंगल में रहता था, ये उसके दोस्त थे। द एनिमल रेस्पेक्टेड द हेयर एज ही वॉज वाइस एंड जेंटल। तो ये जो भी पशु या जानवर हैं, इस खरगोश का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और विनम्र था या सभ्य था। वन डे He said that they should all fast and give whatever food they gathered to whoever needed it. एक दिन खरगोश ने सभी को कहा कि उन्हें व्रत रखना चाहिए सभी को, और जो भी वो दिन में प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको किसी को देना है जिसको भी इसकी जरूरत है। So the monkey found ripe mangoes. इसलिए बंदर को उस दिन क्या मिला? पके हुए आम मिले। The jackal found a lizard and a pot of milk. जो सियार था उसको लिजार्ड, यानी छिपकली, और एक पात्र में दूध मिला।
एंड द ओटर फाउंड ए फिश, और जो उदबिलाव था उसको एक फिश मिली, यानी कि सभी को कुछ न कुछ मिल गया। बट द हेयर कुड नॉट फाइंड एनी फूड एंड वोड डेट इफ एनी वन इज हंग्री ही वुड ऑफर हिम हिज ओन बॉडी। जब खरगोश को कुछ भी नहीं मिला तो उसने प्रतिज्ञा करी कि यदि कोई भी भूखा रहता है तो वो उसको अपना शरीर ही दे देगा, लेकिन उसकी भूख मिटा देगा। His tremendous woe was heard by the earth herself। और उसकी ये जो भयंकर जो प्रतिज्ञा खरगोश ने ली, इस प्रतिज्ञा को धरती ने भी सुना, पृथ्वी ने भी सुना। Who told Sakka, Lord of Devas, और धरती माता ने ये बात सबका, यानी कि आप यहाँ कह सकते हो भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनको बता दी। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द हेयर, और जो देवताओं के राजा हैं उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है मैं खरगोश की परीक्षा लूंगा अगर उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है तो। सबका एंटर्ड द फॉरेस्ट डिस्क्रिस्ड एज ए बेगर एंड आस्क्ड हेयर फॉर फूड। जो सबका जो देवताओं के राजा हैं या देवताओं के भगवान हैं, उन्होंने जंगल में एक भिखारी के रूप में प्रवेश लिया और उन्होंने खरगोश से कहा कि उन्हें भोजन चाहिए। प्लीज ईट माई बॉडी, द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन। खरगोश ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि कृपया आप मेरा शरीर या मेरी बॉडी ही खा लें, क्योंकि मुझे तो कुछ मिला नहीं आज। सो सबका बिल्ट फायर एंड हेयर विलिंगली रेन इनटू द फ्लेम्स। सबका ने आग जला दी और जो खरगोश था वो अपनी इच्छा से उस आग में कूद गया। फीलिंग नो पेन, कोई दर्द उसे नहीं हुआ। ही रोज अप टू हीवन, और वो आप कह सकते हैं कि खरगोश स्वर्ग में था। इन ग्रेटिट्यूड सबका ड्रिव एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस। और इस कृतज्ञता के लिए जो देवताओं के जो राजा हैं या देवताओं के जो भगवान हैं, उन्होंने उस खरगोश की इमेज को चंद्रमा पर बनाया, उस आकृति को, ताकि हर कोई देख सके और खरगोश की जो खरगोश का जो बलिदान है उसको सभी याद रख सके। ठीक है, तो खरगोश यहाँ पर कौन है? एक अवतार ही है भगवान बुद्ध का। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप ज़रूर आप खुद आगे आगे बताएंगे। तो जातक कथाएं, जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ, किसके पुराने जन्म के बारे में है जातक कथाएँ? तो गौतम बुद्ध के बारे में है। द स्टोरीज आर रिटन इन, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। द वाइस एनिमल वाज, कौन बुद्धिमान जानवर कौन था? हेयर। ठीक है, हेयर मतलब खरगोश। आगे देखते हैं। सबका इंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गिस ऑफ, सबका ने किस रूप में जंगल में प्रवेश किया? एक भिखारी के रूप में, ए बेगर। द जातक स्टोरीज कंटेन, कितनी कहानियां थी? 547, 547 कहानी थी। वर्ड प्रीवियस रिलेट्स टू, कि ये जो शब्द है प्रीवियस यानी कि पुराना, ये किससे मैच करता है? पास्ट से, क्योंकि पास्ट मतलब भूतकाल और प्रीवियस मतलब भी पुराना। मंकी फाउंड, बंदर को क्या मिला था? राइप मैंगोस, पके हुए आम मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। द जातक स्टोरीज वर रिटन इन, कब लिखी गई थी? 400 BC, यानी कि ईसा मसीह के 400 वर्ष पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब है। अब दो प्रश्न पूछे हैं, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन हैं। व्हाट रिवार्ड डिड सक्का गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, कि खरगोश को उसके स्व बलिदान के लिए क्या इनाम मिला सक्का की तरफ से? तो ये लास्ट में लिखा हुआ है हमारा पैसेज में, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखेंगे आप या इन से लगा कर लिखेंगे सेक्रीफाइस तक। ठीक है, तो आप सभी इसको लिख लें। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, व्हाट डू जातक स्टोरीज शो यू, कि जातक कहानियां आपको क्या बताती है? तो क्या बताती है, किन के अवतारों के बारे में बताती है? भगवान बुद्ध के अवतारों के बारे में बताती है। तो इसका आंसर जरूर मिलेगा। द जातक स्टोरीज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स। ठीक है, यहां तक लिखे आप, एनिमल लाइव्स तक लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से
आपका पहला अनसीन पैसेज मैंने करवा दिया है। चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।